सगड़ी तहसील क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत नोबरार दिवारा जदीद किता प्रथम के उत्तरी छोर महुला गढ़वाल बांध के उत्तर भीषण आग लग गई, जिससे गांव फसल इकट्ठा किए गए गेहूं जो कि दवाई के लिए रखे थे तथा कई पशु बुरी तरह से जल गए। कई लोगों को अपने घर से बाहर भागना पड़ा जिससे वह अपनी जान बचा सके। वैसे यहां के फसलों के जलने से यहां का किसान साल भर खाएगा क्या और कैसे जिएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आग कैसे लगी जांच का विषय बना हुआ है। वहां पर उपस्थित उप जिलाधिकारी आदि आलाधिकारी भी पहुंचे। सूत्रों से पता चला कि आग लगभग 1 बजे के आसपास दोपहर में लगी और फायर ब्रिगेड लगभग 3 बजे के आसपास पहुंची। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली कि आग के कारण दो बच्चे अवनीश पुत्र राकेश राम जिनकी उम्र लगभग 3 और एक बच्ची जिसका नाम मुस्कान उम्र 5 साल थी, आग ने मासूम बच्चों को निगल लिया। घरों में आग लगने के कारण कई गैस सिलेंडर भी फट गए। आग इतनी भयानक थी कि लगभग सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल 60 से 70 घर जलकर राख हो गए। आग कैसे लगी यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। जनसेतु के लिए आजमगढ़ से नूर मोहम्मद की खास रिपोर्ट। अग्निकांड है, ये बड़े शर्म की बात है हमारे क्षेत्र हमारे देवारा के लिए। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटनाएं ना हो। हम तो लगातार सरकार से मांग करते हैं, कोई भी सरकार नहीं, सबसे मांग करते हैं हमारे द्वारा क्षेत्र के लिए काम करें, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं। देखिए यहाँ तक हो चुका है कि 1.5 घंटे हो गए हैं लगभग आग को, यहाँ सब कुछ जल के खाक हो गया है। यहाँ कोई भी व्यवस्था अभी सरकारी व्यवस्था यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। और हमारी समिति की तरफ से अगर हम देखते हैं, हम लोगों से जो बन पाएगा किया जाएगा, जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को दी जा सकती हैं हम लोग देंगे, भरसक कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं आप लगभग ये आग 1 किलोमीटर के दायरे को पार कर चुकी है। 1 किलोमीटर जितने भी घर थे, फसल थी, पशु थे, अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि आग अभी बुझी नहीं है। क्लियर नहीं हो पा रहा कि कितने जान माल का खतरा हुआ, कितना पशु जले हैं। अभी लोग अपना अपना घर छोड़ करके किसी तरह से अपना अपना जान बचा के निकल के भागे हैं। और देखना ये है कितने लोग अभी इसमें से हताहत हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये तो कुछ देर के बाद पता लगेगा।